हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनली जीएस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, और आज का हमारा चैप्टर है महाद्वीप, महासागर और सागर। इन सभी को हम मैप के माध्यम से याद करेंगे। इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम में एक से दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक आपको सभी महाद्वीप, महासागर और सागर याद हो जाएंगे, और वो हम मैप के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें हम देखने वाले हैं महाद्वीप के बारे में। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है मैप में। तो उत्तर अमेरिका यहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप ये आप पीले रंग का देख रहे हैं, यूरोप यहाँ पर ये डार्क कलर का है, डार्क रेड, और यहाँ पर ये एशिया महाद्वीप है, आप ये देख रहे हैं, ये एशिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर नीचे है। अंटार्कटिका यहाँ पर आप ब्लू कलर में देख रहे हैं। तो आपको इन सभी महाद्वीप की लोकेशन याद रखनी है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और इन सभी के नाम भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें ये भी जान लीजिए, क्योंकि प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश आते हैं, उसके बाद में यूरोप महाद्वीप में 51 देश आते हैं, अफ्रीका में है 54, और इसके बाद आता है नंबर एशिया महाद्वीप का जिसमें 50 महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं, 23 देश हैं, यहाँ पर मैंने महाद्वीप बोल दिया। एशिया में 50 देश हैं और उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं और दक्षिणी अमेरिका में टोटल 12 देश हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है, आपको संख्या नहीं याद रखनी। सबसे ज्यादा देश अफ्रीका में है और सबसे कम दक्षिणी अमेरिका में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड नंबर पर यूरोप आता है, थर्ड नंबर पे एशिया आता है, फोर्थ पे उत्तरी अमेरिका और फिफ्थ नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। तो इन सभी को, सभी महाद्वीप के देशों की संख्या को भी आपको ध्यान रखना है। अब हम देखने वाले हैं महासागर के बारे में। तो अभी हाल ही में जून 2021 में दक्षिणी महासागर को 5वें महासागर का दर्जा दिया गया है, तो इसलिए यह महासागर का चैप्टर इस साल एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विश्व में अब कुल पहले 4 महासागर थे, अब 5 महासागर हो गए हैं। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। दक्षिणी महासागर यानी साउदर्न ओशियन। तो इन 5ों महाद्वीप को आपको याद रखना है। इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है प्रशांत महासागर, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। अटलांटिक महासागर यहाँ बीच में आता है और ये कुछ इस आकार की आकृति बनाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अटलांटिक महासागर इस आकार का है और यहाँ पर ये हिंद महासागर है। नेक्स्ट आप ऊपर देख सकते हैं, ये आर्कटिक महासागर है, जो ये ऊपर का एरिया आता है ये आर्कटिक महासागर का है, और यहाँ पर नीचे दक्षिणी महासागर है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस गोले के अंदर, ये जो मैं निशान लगा रही हूँ उसके अंदर का जो भी ये एरिया है, ये दक्षिणी महासागर के अंतर्गत आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है महासागर से संबंधित, वो भी जान लीजिए। 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। महासागर पृथ्वी पर 71% भाग को घेरे हुए है, यानी पानी से महासागर जो 71% भाग पर हैं, और महासागरी गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। गर्त क्या होते हैं? तो ये महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं, और विश्व में कुल जल का 97% खारे जल के रूप में सागरों में है। हमारे पीने के लिए जो पानी है विश्व में, वो सिर्फ 3% है, बाकी 97% पानी खारा है जो कि सागर में है। नेक्स्ट अब हम एक एक महासागर के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। आप इसकी लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रशांत महासागर है। आप ये एरिया देख रहे हैं, ये पूरा जो भी मैं निशान लगा रही हूँ, ये प्रशांत महासागर है। इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, ये रिंग ऑफ फायर है, और ये होता क्या है? तो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। ये ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं और भूकंप भी यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं, तो ये रिंग ऑफ फायर नाम दिया गया है इसका, इसको आपको ये याद रखना है। और इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में, और ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो ये है मरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्त यहाँ पर स्थित है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, मरियाना ट्रेंच, और यह विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान मरियाना ट्रेंच है। ये प्रशांत महासागर का भी सबसे गहरा स्थान है और विश्व का भी सबसे गहरा मरियाना गर्त है ये।
गहरा स्थान है मेरियाना गर्त, और इसे मेरियाना गर्त को ही चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो नाम है इसके, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आप यहाँ पे मेरियाना गर्त देख सकते हैं, लोकेशन इसकी यहाँ पर, ये मेरियाना गर्त है, इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके आसपास के देश भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं इसमें प्रशांत महासागर के बारे में। अन्य बात है, प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ये कुछ इस प्रकार की रीफ होती है। रीफ क्या होती है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्ति का मतलब क्या होता है, यानी कि मूंगे की चट्टाने पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। और यह विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ जो है, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। यह कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जिसमें कई प्रकार की मछलियां, सार, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है जो ये कोरल रीफ होती है। और विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। और कोरल रीफ का निर्माण प्रायः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में होता है। तो ये एरिया हो जाता है आपका कर्क रेखा। आपको अगर लोकेशन याद हो तो ये जो बीच का एरिया होता है, ये कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है। और इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा, पूरी तरह नहीं लेकिन ज्यादातर इन्हीं क्षेत्रों के बीच में कोरल रीफ का निर्माण होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये कोरल रीफ है। अगर मैं आपको चित्र में दिखा दूं तो आप यहाँ पर देखिए, ये ग्रेट बैरियर रीफ है और ये क्वींसलैंड है, क्वीनलैंड है, क्वींसलैंड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ तक फैला हुआ है। ये दक्षिणी पैसिफिक ओशियन है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, इस प्रकार के कुछ पक्षी होते हैं जो इन्हीं कोरल रीफ में निवास करते हैं। और यह है यहाँ पर, इस प्रकार इसमें मछलियां निवास करती हैं, कुछ इस प्रकार के जीव भी इसमें निवास करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में पाई जाती है और यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। और ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और इस महासागर का सबसे जो गहरा स्थान है वह है प्यूटो रिको गर्त। आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये प्यूटो रिको गर्त है और यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अटलांटिक महासागर कुछ इस आकार का बना है। यहाँ पर ये जो हरा हरा आपको एरिया दिख रहा है, ये पूरा अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। आप इसमें भी देख सकते हैं, इन दोनों मैप में इस क्षेत्र को यहाँ पर है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्यूटो रिको गर्त है, ट्रेंच है, और यह इसका सबसे गहरा स्थान है अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर की अन्य बातें, इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है उत्तर की ओर, जिसे सार्गेसो सागर कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सार्गेसो सागर है और यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में सार्गेसम नामक वनस्पति पाई जाती है। आप ये वनस्पति देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की ये वनस्पति है। और ये वनस्पति बहुतायत में काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सार्गेसम सागर पड़ा। यहाँ पर इसी घास यानी कि इसी वनस्पति के कारण इस सागर का नाम सार्गेसम सागर पड़ा है। और यह जो अटलांटिक महासागर में स्थित है और सार्गेसम सागर के चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है और इसका कोई तट नहीं। ये जो सार्गेसम सागर है, यहाँ पर बीच में जो लोकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये यहीं पर स्थित है और इसके चारों तरफ से समुद्र है, इसका कोई तट नहीं है। तो ये इस प्रकार से एक अलग प्रकार का सागर है, इसलिए एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसकी लोकेशन भी। नेक्स्ट आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, तो ये सार्गेसम घास है, कुछ इस प्रकार से इसके बीज हैं, ये मैंने दिखा दिया है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं अटलांटिक महासागर की एक अन्य बात और क्या है। तो यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल होता है, बरमूडा त्रिभुज यानी कि बरमूडा त्रिकोण उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं, जहां पर खतरनाक हवाओं के चलते पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि हवाई जहाज कहीं पर लापता हो जाते हैं और इसे ही डेविल्स ट्राइंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर काफी खतरनाक हवाएं चलती हैं, जिससे पानी के जहाज
यहाँ पे डूब जाते हैं, तो आप इसका एरिया देख सकते हैं। ये कुछ त्रिभुज आकार का है, इसीलिए इसे बरमूडा ट्रायंगल नाम दिया गया है। आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का इसका क्षेत्र है। ये प्यूटो रिको गर्त यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और ये बरमूडा ट्रायंगल है, और यहाँ पर इसके नीचे कैरेबियन सी है, जो हम आगे बाद में देखने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हिंद महासागर। इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, ये जो हरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पूरा हिंद महासागर है, भारत के नीचे स्थित है। आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देख लीजिए। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है सुंडा गर्त, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका सबसे गहरा स्थान है सुंडा गर्त, यानी कि जावा गर्त, और इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। और यह भारत के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर यह स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है आर्कटिक महासागर। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, ये आर्कटिक महासागर है, और इस गोले के अंतर्गत जो भी ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये सभी ध्रुवीय महासागर यानी कि आर्कटिक महासागर है। उत्तरी ध्रुवीय महासागर या आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जो कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका ज्यादातर विस्तार उत्तर ध्रुवीय के आसपास है। इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं, क्योंकि साल में अधिकांश समय यह बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। उत्तरी ध्रुवीय महासागर कहते हैं, आर्कटिक महासागर कहते हैं। आपको नाम भी याद रखना होगा। तो इसका क्षेत्र यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट आ जाता है दक्षिणी महासागर, बेहद इंपॉर्टेंट, हाल ही में इसे घोषित किया गया है। तो दक्षिणी महासागर की आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो गोले के अंदर आपको दिख रहा है, ये साउदर्न ओशियन है। ये पूरा एरिया जो भी दिख रहा है, इसे ही दक्षिणी महासागर कहते हैं। दक्षिणी ध्रुवीय महासागर, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर, ये तीन नाम है इसके, तीनों ध्यान रखने हैं। और यह पांच विशाल महासागरों में से चौथे नंबर का है, चौथा सबसे बड़ा महासागर है। दक्षिणी महासागर ऐसा पहला महासागर है जिसका विभाजन समुद्र की लहर यानी ओशियन करंट से किया गया है। ओशियन करंट क्या होता है? तो धरती के लगातार घूमने से, हवा और अन्य वजहों से समुद्र की लहरों का निर्माण होता है, जिसे ही ओशियन करंट कहते हैं। ओशियन करंट के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगी। आप बस अभी इतना याद रखिए कि इसे बांटा किस आधार पे गया है, कि ये साउदर्न ओशियन है, दक्षिणी महासागर है। तो यहाँ पर यह पहला महासागर है, ये समुद्र की लहर यानी ओशियन करंट के आधार पे इसका विभाजन किया गया है। कुछ इस प्रकार के यहाँ पर ये जो मैं आपको कलर दिखा रही हूँ, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर करंट चलती है, इस प्रकार से गोले कलर की, जिसके कारण इसका विभाजन इस एरिया में किया गया है, दक्षिणी महासागर। आपको ये ध्यान रखना है। और ये नीचे अंटार्कटिका के नीचे जो ये आसपास का क्षेत्र है, ये सभी दक्षिणी महासागर में आता है। नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं महासागर से संबंधित, क्षेत्रफल की दृष्टि से और गहराई की दृष्टि से। ये दोनों सेम ही होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर। सेकेंड नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, और यहाँ पर दक्षिणी महासागर चौथे नंबर का है। तो इन सभी की आपको याद रखना है किस प्रकार से इसका जो क्षेत्र है, और गहराई भी सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में पाई जाती है और सबसे कम आर्कटिक महासागर में। और इसकी भी ये लोकेशन, ये जो दिया गया है, ये सेम ही है क्षेत्रफल और गहराई के स्थान के अनुसार। अब तक हमने सभी महाद्वीप महासागर के बारे में डिटेल में जाना है। अब हम जानने वाले हैं इंपॉर्टेंट जितने भी सागर हैं, उन सभी को अब हम देखने वाले हैं। तो इसमें पहला सागर है कैरेबियन सागर, यहाँ पर स्थित है, प्रशांत अटलांटिक महासागर में स्थित है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये है यहाँ पर कैरेबियन सी। यह अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा है, जिसकी गहराई कितनी है? तो 7,686 मीटर है, और यह विश्व का सबसे गहरा सागर है। यहाँ पर ध्यान रखना है, मैं आपको सागर बता रही हूँ, तो ये विश्व का सबसे गहरा सागर है। अगर आप इसके देश की बात करें आसपास के, तो ये है कैरेबियन सी, निकारागुआ, कोलंबिया, वेनेजुएला, यहाँ पर प्यूर्टो रिको, क्यूबा, तो ये सभी इसके आसपास के देश हैं। तो आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है। उसके ऊपर में कैरेबियन सी के ऊपर में मेक्सिको की खाड़ी भी आती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं भूमध्य सागर, बेहद इंपॉर्टेंट है भूमध्य सागर, इसे मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व एशिया से यह घिरा हुआ है। भूमध्य सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा है, या सबसे ज्यादा स्थल से घिरा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं,
इसकी गहराई 4,632 मीटर है और यह 21 देशों की तटरेखा भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है। 21 देश की तटरेखा भूमध्य सागर से लगती है और यह अफ्रीका के 5 देशों की सीमा लगती है भूमध्य सागर से। तो भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर स्थित है, आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है। इसके इम्पोर्टेंट कौन कौन से देश हैं आपको वो ध्यान रखनी है, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोप में यहाँ पर नीचे इसकी लोकेशन है और यह एशिया के पश्चिम में स्थित है, अफ्रीका के पूर्व में स्थित है, आपको इसकी लोकेशन भी ध्यान रखनी होगी। भूमध्य सागर के तटीय रेखा वाले देश कौन कौन से हैं, तो अफ्रीका के पहले हम देखते हैं, अफ्रीका से 5 देश जुड़े हुए हैं, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। यहाँ पर आप देखिए मोरक्को है, उस नेक्स्ट आता है अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट यानी कि मिस्र। तो ये 5 देश हैं जो कि भूमध्य सागर से लगते हैं और ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। एशिया महाद्वीप से भी 5 देश लगते हैं, सीरिया, साइप्रस, टर्की, इसराइल और लेबनान। आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्की, सीरिया, लेबनान, इसराइल और ये साइप्रस है। तो ये 5ों देश आपको याद रखनी है। ये 10 देश हो गए अफ्रीका और एशिया के और यूरोप में, तो बाकी 11 देश बचते हैं जो यूरोप से संबंधित है, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ मैं कुछ बता दे रही हूँ। तो ग्रीस है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, इटली है, फ्रांस है और स्पेन है, ये भूमध्य सागर से सटे हुए देश हैं। तो इन 4ों को आपको याद रखना है। बाकी इसके अलावा है अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो और स्लोवेनिया। ये सभी भी देश हैं, लेकिन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 4-5 देश यूरोप के और 5 एशिया के और 5 अफ्रीका के, इन सभी देशों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है काला सागर, आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, यूरोप में यहाँ पर स्थित है। यूरोप में स्थित है काला सागर, जिसकी अधिकतम गहराई कितनी है, 2,212 मीटर है और काला सागर 6 देशों से सीमा लगाता है अपनी पश्चिम में। इसके यहाँ पर आप इसकी काला सागर की देख सकते हैं, पश्चिम में इसके रोमानिया और बुल्गारिया है, ये काला सागर है, ब्लैक सी, पश्चिम में रोमानिया और बुल्गारिया है और उत्तर पूर्व में इसके यहाँ पर ये रसिया आ जाता है, रूस और ऊपर ये यूक्रेन है, आपको दिख रहा होगा। इसके पूर्व में जॉर्जिया है और दक्षिण में यहाँ पर ये टर्की स्थित है। ये 6 देश हैं, आपको याद रखना होगा, ब्लैक सी से संबंधित। ब्लैक सी के चारों ओर 6 देश हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया और टर्की। इसके बारे में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और ब्लैक सी के ऊपर यहाँ पर अजोब सागर आ जाता है और नीचे यहाँ पर एजियन सागर आ जाता है। और ब्लैक सी और एजियन सागर को कौन सा सागर जोड़ता है, तो यहाँ पर सी ऑफ मरमरा है, मरमरा सागर है, ये हम आपको नेक्स्ट आगे बताने वाले हैं, तो आप यहाँ पर इतना याद रखिए। नेक्स्ट आ जाता है मृत सागर, मृत सागर जॉर्डन और इसराइल के बीच में स्थित एक सागर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसराइल देश है, इतना ये आपको इसराइल दिख रहा है, इस तरफ जॉर्डन है और यहाँ पर बीच में ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं साफ करके आपको दिखा दे रही हूँ। आप यहाँ पर देखिए ये जो बीच में एरिया आपको दिख रहा है यही है मृत सागर और इसकी अधिकतम गहराई 300 मीटर है। यहाँ पर नोट पॉइंट कर लीजिए कुछ बातें, वान झील के बाद सबसे अधिक लवणता मृत सागर में ही पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा लवणता मृत सागर में पाई जाती है। यहाँ पर मृत सागर है, वान झील की लवणता कितनी है, 330% है, यहाँ पर 2 जीरो लगाए जाते हैं नीचे कुछ इस प्रकार से, और सागर की मृत सागर की लवणता 338% है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लवणता भी ध्यान रखनी है। इसराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है एक सागर है। यहाँ पर लवणता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी सैलिनिटी, तो सागरी जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरी लवणता कहते हैं। सागरी लवणता का ये सूत्र है, आप देख लीजिए, सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड की सबसे ज्यादा मात्रा होती है और सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। मतलब कि आपको पता होगा कि पृथ्वी करोड़ों कई करोड़ साल पहले से बन रही है और धीरे धीरे बारिश के माध्यम से जो भी लवणता होती है वो नदियों के माध्यम से समुद्र में पानी इकट्ठा हो रहा है, तो धीरे धीरे जो मिट्टी की लवणता है वो समुद्र में इकट्ठी होती गई है। क्योंकि आप सोचेंगे इतनी नदियों में पानी है, फिर भी समुद्र में भी पानी है, लेकिन वहां का पानी खारा क्यों है, क्योंकि सभी पानी समुद्र में जाके इकट्ठा हो रहा है और सभी समुद्र एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसी कारण वहां पे जो पानी खारा है वो जो मिट्टी की लवणता जो बारिश के माध्यम से करोड़ों सालों से बहती जा रही है, तो इसी माध्यम से वहां पे जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वह अधिक होती जा रही है। और सागरीय लवणता को प्रति 1,000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा से के रूप में दर्शाया जाता है, तो कुछ इस प्रकार से
ऊपर ये जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर ये 30% जो लिखा जाता है इसके पास कुछ इसी प्रकार से इसे लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1000 1000 मान लीजिए आपने 1000 पानी की मात्रा लिया है तो उसमें 330% नमक लवणता की मात्रा पाई जाती है यहाँ पर वन झील में। तो कुछ इस प्रकार से इसे दर्शाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जहाँ 5 देशों से जुड़ी हुई है, 5 देशों से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैस्पियन सागर है, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये 5 देश हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पर है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कैस्पियन सागर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है दक्षिणी चीन सागर। पेपर में डेली नहीं तो 2-3 दिन में एक बार दक्षिणी चीन सागर का चर्चा होती रहती है। तो यह सागर इस समय में बेहद इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। चीन के दक्षिण में स्थित एक सागर है जो कि प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। इसकी अधिकतम गहराई 5016 मीटर है। इसका विस्तार है चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, प्रोनोई, मलेशिया और इंडोनेशिया, इन सभी देशों में इसका विस्तार है। तो ये ध्यान रखना है। मैप में आप इसकी लोकेशन यहाँ देख सकते हैं, विस्तार से इसके देशों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है बेरिंग सागर। प्रशांत महासागर का ही एक भाग है जो कि पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका के अलास्का के बीच में स्थित है। यहाँ पर अलास्का की खाड़ी है, इसके बीच में यह स्थित है। तो इसकी लोकेशन यहाँ पर दी गई है और इसकी अधिकतम गहराई है 4773 मीटर। नेक्स्ट आ जाता है तस्मान सागर। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित एक सागर है। इसकी लोकेशन यहाँ पर स्थित है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और यहाँ बीच में आपको दिख रहा होगा ये तस्मान सागर है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आप बेरिंग सागर भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको बेरिंग सागर दिखा दूं तो आप यहाँ पर देखिए ये बेरिंग सागर है और यहाँ पर ये रूस है और यहाँ पर अलास्का की खाड़ी है। तो यहाँ पर बेरिंग सागर की लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है, प्रशांत महासागर में यह स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है टेरहेनियन सागर। यह इटली, सिसली, सार्डिनिया, कोर्सिका, टेरहेनियन सागर से घिरा है। टेरहेनियन सागर इन चार ये द्वीप हैं, 4 द्वीपों से घिरा है और यह भूमध्य सागर का ही एक भाग है। मैं आपको यहाँ पर मैप में लोकेशन इसकी दिखा रही हूँ। तो ये है कोर्सिका, यह है सार्डिनिया और यह है सिसली और यह है इटली। इसके बीच में आपको ये सागर दिख रहा होगा, यही है टेरहेनियन सागर। तो ये ध्यान रखना है और यह भूमध्य सागर का ही एक भाग है। नेक्स्ट आ जाता है अजोब सागर। ये काफी छोटे छोटे सागर हैं लेकिन यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा दे रही हूँ। अजोब, मरमरा और एजियन। अजोब सागर के उत्तर में यूक्रेन स्थित है। अजोब सागर कहाँ पर है? तो आप ये देख सकते हैं इसके उत्तर में यूक्रेन है, पूर्व में यहाँ पर आपको रूस दिखाई दे रहा होगा और इसके पश्चिम में क्रीमिया स्थित है। कुछ यहाँ पर इसके पश्चिम में क्रीमिया होगा, तो आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है। अजोब सागर और यहाँ पर मरमरा सागर आप ये देख रहे हैं। मरमरा सागर जो मैंने ऊपर बताया था, एजियन सागर और ब्लैक सी काला सागर को जोड़ता है मरमरा सागर, और यहाँ पर ये एजियन सागर है। तो इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। एजियन सागर मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन आपको इन पांचों यहाँ पर भूमध्य सागर, फिर एजियन सागर है, उसके बाद में मरमरा सागर है, फिर ब्लैक सी है और यहाँ पर अजोब सी है। इन पांचों सागरों की आपको लोकेशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है अरल सागर। आप यहाँ पर देख सकते हैं अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है और इसके किनारे कजाखस्तान और उज्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर ये कजाखस्तान है, ऊपर का ये एरिया कजाखस्तान है और नीचे ये जो क्षेत्र है यह उज्बेकिस्तान है। तो यह दो देशों से घिरा हुआ है अरल सागर। नेक्स्ट आ जाता है ओखोटक सागर और जापान सागर। बेहद छोटे छोटे सागर हैं लेकिन एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये प्रशांत महासागर में स्थित सागर है जापान सागर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह जापान है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से घिरा हुआ है और यहाँ पर ये ओखोटक सागर है। ये दो सागर हो गए। नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। अधिकतम गहराई के हिसाब से सबसे ज्यादा गहराई किसमें है? तो सबसे ज्यादा गहरे जो सागर है वह है करेबियन सागर, इसकी गहराई आप देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है दक्षिणी चीन सागर का, उसके बाद में बेरिंग सागर, फिर भूमध्य सागर और उसके बाद में जापान सागर का नंबर आता है। तो इन सभी सागरों के आपको क्रम भी याद रखना है, आप यहाँ पर देख लेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है टर्की। टर्की
तीन तरफ से सागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी लोकेशन कुछ अलग है और इसलिए यह एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, टर्की देश यहाँ पर स्थित है और यह टर्की यानी कि तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है जिसका कुछ भाग दक्षिण पूर्वी यूरोप में है और कुछ भाग पश्चिम एशिया में स्थित है। तो यह यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टर्की की जो सीमा है वह 8 देशों से लगती है। वो कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बुल्गारिया है, ग्रीस है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान है, सीरिया है और इराक है। तो इन 8 देशों से टर्की की सीमा लगती है और इसके तीन तरफ कौन कौन से सागर हैं, तो आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देख लीजिए। टर्की के जो ऊपर है, ऊपर की तरफ ब्लैक सी है, नीचे की तरफ है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, और इसके जो पश्चिम में है स्थित है कौन से हैं, तो एजियन सागर और मरमरा सागर इसके पश्चिम में स्थित हैं। और ऊपर उत्तर की ओर काला सागर है और नीचे की ओर भूमध्य सागर है। तो ये सागर तीन तरफ से सागरों से घुरा हुआ है और एक तरफ इसके भूमि है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है विश्व की कुछ प्रमुख खाड़ियां भी देख लेते हैं हम, क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अलास्का की खाड़ी मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर अलास्का की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, या यहाँ पर अटलांटिक महासागर में स्थित है। आप इसकी लोकेशन ध्यान रखिए, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ऊपर बताया है मैंने, यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर ये यूरोप के पश्चिम में स्थित है, बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। फारस की खाड़ी आपको पता होगा, यहाँ पर फारस की खाड़ी स्थित है। और उसके बाद में अदन की खाड़ी यहाँ पर नीचे स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे बड़ी खाड़ी है। हडसन की खाड़ी की तट रेखा विश्व की सभी खाड़ियों में सबसे लंबी है। जो तट रेखा है वो हडसन यहाँ पर स्थित है। तो इस खाड़ी की जो तट रेखा है वह सभी खाड़ियों से लंबी है। और इसके अलावा अब मैं भारत के चार खाड़ी के नाम बता दे रही हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कच्छ की खाड़ी की लोकेशन आप याद रखिए, यहाँ पर स्थित है। खंभात की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी तो आपको पता ही होगा। तो ये चार खाड़ियां हैं जो भारत से संबंधित हैं। तो इस वीडियो में हमने सभी प्रमुख महाद्वीप, महासागर और सागर के बारे में जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नदी और अन्य इससे संबंधित, विश्व ज्योग्राफी से संबंधित अन्य पॉइंट भी लेकर आऊंगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।